बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपके साथ आज का जो डॉलर का और रियाल का रेट है मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से और आज का जो एक्सचेंज रेट रखा वो शेयर कर दूंगा मैं। सबसे पहले हम डॉलर के मतलब की बात करेंगे। अभी भी मुझे व्हाट्सअप के ऊपर मैसेज आ रहे हैं, मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, व्हाट्सअप के ऊपर मैं मुख्तलिफ वीडियोज़ में नंबर शेयर करता रहता हूँ, यहाँ पर भी आपको दिखा रहा हूँ मैं। कल एक भाई ने भी रब्ता किया, भाई मेरे पास 12,000 रियाल पड़े हुए हैं, अभी चेंज करवा लूँ या अभी रख लूँ, तो मैंने उनको जो भी मुझे बेहतर लगा वो मशवरा दे दिया। तो भाई व्हाट्सअप के ऊपर भी रब्ता करके पूछ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी बताया था कि भाई के पास 30,000 रियाल थे सऊदीया से, वो बोल रहा मैं यहाँ से भेज दूँ और ये पाकिस्तान ले आऊँ। तो मैंने उसको बोला, वो बोलता था मुझे 15 दिन बाद पाकिस्तान आने वाला हूँ। मैंने बोला पाकिस्तान साथ ले आऊँ, मुझे बोल रहा एयरपोर्ट के ऊपर तो मुश्किल नहीं बनेगी। मैंने बोला नहीं बनेगी इंशाल्लाह, तो कोई मुश्किल नहीं बनेगी। पाकिस्तान में वो 30,000 साथ लेकर आए और यहाँ पर चेंज करवाए, उनको 1 लाख से 1.5 लाख रुपए के अराउंड में फ़ायदा हुआ बस। हाँ, हमने तो भाई जुबान हिला दी, आगे वाले बंदे ने काम किया और उसको माशाल्लाह अच्छा खासा फ़ायदा हो गया। यानी कि अगर आप 5,000 रियाल भी लेके आते हैं, डेफिनेटली बात है आपको 10 से 15,000 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। बहरहाल जी, आज के डॉलर के मतलब बात करें, आपको साथ में दिखा रहा हूँ। आज 283 रुपये 58 यानी कि 50 प्लस में है, यानी कि 283 से 284 राउंड में डॉलर का रेट अभी भी चल रहा है, काफ़ी हाई बोला जा सकता है इसे। और अगर रियाल रेट के मतलब बात करें तो रियाल रेट आज फिर हाई हुआ है, वो क्या जी, आप एक्सचेंज रेट देख लें, 75.55 रुपये कल की नस्बत मजीद बढ़ा है ये, और इंडिया 21.96 रुपये, बांग्लादेशी टका 28.70 हो चुका है। मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से बात करें, वैसे इंडिया की अगर किसी कोई वक्त होता था, ज़्यादा दूर नहीं, ये हमारी होश की बात है, इंडिया का अगर होता था 21 तो पाकिस्तान का होता था 42। इंडिया का रेट चलता रहा 16 रुपये, आपको पता है 15-16 बहुत देर, और पाकिस्तान का 28-30-32 चलता रहा बहुत देर, यानी कि इंडिया से डबल होता था। अभी इंडिया का देख लें 21 है, यानी कि 22 बोल रहे हैं, और पाकिस्तान का 76 के करीब 76 के करीब पहुंच चुका है। तो बहरहाल अगर मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से बात करें, तो सबसे पहले हम इसमें राजीव बैंक की आज बात करेंगे, यानी कि तहवीर राजी का आज का रेट 74.52 रुपये हो चुका है। 10, 17 और 25 रियाल फीस चल रही है इनकी, हाई रेट चल रहा है भाई इस वक्त। अगर बात करें वेस्टर्न यूनियन की, तो इनका रेट आज का 74.56 रुपये और 23 रियाल इनके भी फीस है। अगर हम मनीग्राम की बात करते हैं, तो मनीग्राम आज का रेट 74.71 रुपये, हाई रेट है इनका भी, और 23 रियाल इनके भी फीस होती है। अगर हम बात करते हैं टैली मनी यानी कि ANB बैंक की, तो इनका रेट आज का 74.55 रुपये और 15 और 17 रियाल इनकी भी फीस होती है। STC पे की बात करें, तो इनका रेट आज का 74.51 रुपये और 15 और 17 रियाल इनकी भी फीस होती है। बैंक जजीरा की बात करें, तो 74.42 रुपये आज का रेट, 17 रियाल इनकी भी फीस होती है। इंजाज बैंक की बात करें, तो इंजाज बैंक आज का रेट दे रहे 74.52 रुपये और इनकी भी 10, 17 और 25 रियाल फीस होती है। और अगर क्विक पे की बात करें, तो क्विक पे आज का रेट दे रहे 74.35 रुपये, 10, 17 रियाल फीस के साथ है। सऊदी अरबिया से जब आप पैसे भेजते हैं, तो उस टाइम ये अपने जहन में रखिएगा, आप 2000 भेज रहे हैं, 2000 के साथ जो 20-25 रियाल आपने फीस देनी है वो भी ऐड कर लीजिएगा। पाकिस्तान में वो अगर आप रियाल पाकिस्तान में 5-10 हज़ार लाकर यहाँ पर चेंज करवाएंगे, तो आपको 20-25 आप यानी कि सऊदी अरबिया से अगर 2 दफ़ा आप पैसे भेजेंगे, तो आपके 50 हज़ार लग जाएंगे पाकिस्तान में, आपको 50 हज़ार वो भी बचेंगे और रेट भी हाई मिलेगा। तो मेरा मशवरा भाइयों को अक्सर वीडियोस में यही होता है कि अगर आप आने वाले 2-4 माह में पाकिस्तान आने वाले हैं, तो पैसे थोड़ा रोक लें, रख लें अपने पास, जमा कर लें, साथ लेके आइएगा, आपको मजा आएगा।